नमस्कार फ्रेंड, जैसे कि मैं आपका मित्र दीपक बोल रहा हूँ। और यदि आपके पास एमपेक फोर सेटअप बॉक्स है और एमपेक फोर सेटअप बॉक्स में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ कनेक्ट करने में या कुछ और करने में, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने एमपेक फोर सेटअप बॉक्स को आप कैसे उसको रिसेट कर सकते हैं और उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आपके लिए एक छोटा सा अपडेट लेके आया हूँ, तो कैसे आप अपने बॉक्स को रिसेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मिनुक बटन प्रेस करना पड़ेगा, और जैसे ही मिनुक बटन प्रेस करेंगे तो आपके जितने भी एमपेक फोर सेटअप बॉक्स आप लेते हैं मार्केट में आज के डेट में, तो किस इस तरह आपकी इसमें सेटिंग्स आती है जिसके कारण से आपको इस तरह सेटिंग्स मिलती हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इस तरह में आ जाना है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा चैनल एडिट करने के लिए, और दूसरा आएगा आपका सिस्टम सेटिंग आएगा, तीसरा आएगा इंस्टॉल आएगा, और चौथा नंबर यूटिलिटी आएगा। तो यूटिलिटी में आप जैसे आएंगे तो आपका पहला नंबर सिस्टम इंफॉर्मेशन आएगा, दूसरे नंबर पे आपका आएगा रिसेट फैक्ट्री। तो आपको रिसेट फैक्ट्री में ओके कर देना है, और इसमें जब आपका पासवर्ड मांगेगा तो आपको इसमें पासवर्ड डाल देना है 1 2 3 4। तो इनवैलिड करके बता रहा है, यदि आपका ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आपको 0 0 करके डालना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 0 0 करके पासवर्ड डालेंगे तो आपको इसमें देख सकते हैं कि योर श्योर टू रिसेट करने के लिए बोल रहा है। तो क्या आप श्योर है कि यह बॉक्स को आप रिसेट करना चाहते हैं? तो यदि आप श्योर हैं तो इसको आपको ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो इसमें आपका रिसेट फैक्ट्री का ऑप्शन आने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये रिसेट फैक्ट्री होना शुरू हो चुका है, और ये आप देख सकते हैं कि मेरा बॉक्स बंद हो गया है और बंद होकर चालू हो रहा है। तो इस तरह जब आपको रिसेट करना हो तो इसको आगे के प्रोसेस आपको कैसे करना है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये रिसेट हो गया है और बॉक्स ये ऑन होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स ऑन हो रहा है और एकदम कलर बार आने लगा है। और इसके बाद कलर बार आने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह आपके टीवी में इंटरफेस आएगा जब आप अपने बॉक्स को रिसेट कर देते हैं। तो रिसेट करते हैं तो आपको फिर से क्या करना है, आपको सेटिंग्स में आना है। जैसे ही आप सेटिंग्स में आते हैं तो आपको कुछ इस तरह ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अब तो आपके रिसेट कर दिया तो आपके चैनल्स एक भी नहीं रहेंगे आपके उसमें बॉक्स में। तो आपको क्या करना है कि आपको मेनू का बटन प्रेस करना है, और मेनू का बटन जैसे प्रेस करेंगे तो आपको आ जाना है सेटेलाइट लिस्ट पे आ जाना है। और जैसे ही आप सेटेलाइट लिस्ट पे आएंगे तो आपको जो डीडी फ्री डिश जिसमें आपका सेट था तो उसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसमें सबसे पहले मैं ऑटो स्कैन करता हूँ, तो मेरा एसे सेट 5 में था, तो एसे सेट 5 में मैं उसको सेट कर लेता हूँ। तो किस इस तरह ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपके रिमोट से ब्लू बटन प्रेस करेंगे, तो ब्लू बटन प्रेस करेंगे तो आपको पूरा चैनल्स यदि प्राप्त करना है, डिश टीवी और डीडी फ्री डिश का दोनों चैनल्स प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना है, आपका जो मोड का ऑप्शन रहेगा तो आपको इसमें ब्लाइंड मोड प्रेस कर देना है। ब्लाइंड मोड करेंगे और ब्लाइंड मोड करने के बाद आपको ऑटो स्कैन करेंगे। यदि डीडी फ्री डिश आपको करना है, डीडी फ्री डिश प्राप्त करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको ऑटो स्कैन कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ऑटो स्कैन ऐसे करेंगे ये 100 तक कंप्लीट हो जाएगा और आपको चैनल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि चैनल मिलना प्राप्त हो गया है, और आपके ये डिश टीवी के चैनल्स भी मिल रहे हैं जो आपके डॉलर के निशान बने हुए हैं। और मैं आपको इसमें साथ में दिखा देता हूँ डीडी फ्री डिश के चैनल्स भी, जो कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सेट करके रखा है डिश टीवी और डीडी फ्री डिश दोनों में। तो आप देख सकते हैं कि 60 के करीब हो चुका है, और ये अभी HD चैनल्स आ रहे हैं जो कि आपके डिश टीवी के, और ये देख सकते हैं कि आपके डीडी फ्री डिश के भी चैनल्स मिलना प्राप्त हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा किसी तरह से। तो इस तरह फ्रेंड्स, आपका बॉक्स को रिसेट करके आप उसको सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही आपको अपडेट देना था। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना, यदि चैनल्स में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको एक छोटा सा अपडेट देना था। वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।